कहा कि टाइम दीजिए हमको। फिर उनके डायरेक्टर आए वहाँ से, कुलसंगे, यहाँ दिल्ली में पोस्टेड थे, तो कुलसंगे साहब ने कहा कि सिन्हा साहब से मिलाओ मुझे। मैं गया, उनसे मुलाकात हुई, बोले कि कब आप लिख कर दे सकते हैं। हम कहे देखिए सर, अभी तक मैंने सोचा नहीं है, दो तीन दिन टाइम दीजिए तो मैं कहानी सोच करके आपको खबर करूँगा। तो मैं तो कल जा रहा हूँ दिल्ली, तो आप दिल्ली से फ़ोन करके हमसे बात कर लीजिए। उन्होंने फ़ोन किया, उस दिन तक मैंने कोई कहानी नहीं सोची थी। फिर उनका कि क्या हुआ सिन्हा, हमें कि हाँ सर अब रूपरेखा तैयार हो गई है, अब जल्दी ही पंक्तियाँ उकेरी जाएंगी, क्योंकि आप हमको क्या कहानी सुनाइए। तो मैंने एट्रेंडम एक कहानी अपने मन से कही कि एक गांव है, गांव का एक संभ्रांत परिवार है, उसके दादा जो थे बड़े भारी स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी पोती की शादी की बात चल रही है और पटना शहर के एक डॉक्टर से निगोशिएशन चल रहा है। डॉक्टर आता है यहाँ, लड़की से तो देखता है, उसको पसंद आ जाते हैं लड़की, फिर शादी तय हो जाती है और घर में मिठाइयाँ बंटने लगती हैं। मिठाई बांटने के लिए जो लड़की की माँ आई और उसने लड्डू उठाकर ज्यों ही अपने समधिन होने वाली समधिन को दिया, उसने हाथ वापस कर दिया। उसका कहा कि नहीं, मैं यहाँ अपने बेटे की शादी नहीं कर रहा। डॉक्टर आ गया, बेटा पूछा क्यों माँ, क्यों नहीं शादी होगी, क्योंकि तुम लड़की के माँ के हाथ को देख रहे हो, उसे कुष्ठ हो गए। फिर माँ कुष्ठ रोग अब लाइलाज नहीं है, 6 महीने में ठीक हो सकती है, और कोई शादी आज ही हो रही है, अगले साल शादी होने वाली है, तब तक उसकी माँ ठीक हो जाएगी। माँ मैं डॉक्टर हूँ, अगर मैं डॉक्टर होकर इग्नोर करूँ तो समाज में क्या मैसेज जाएगा। शॉर्ट में स्टोरी मैंने उनको बता दी, क्योंकि अद्भुत, फंटास्टिक। सिन्हा कब दोगे प्ले, क्योंकि एक सप्ताह लगेगा सर। फिर मैंने लिखना शुरू किया, मैंने जीवन का पहला नाटक लिखा, करीब 1.5 घंटे का नाटक, मंचीय नाटक। साथ उनका कि कैरेक्टर ज़्यादा मत रखना तो बहुत दिक्कत होती है। तो हम 3 महिला, एक लड़की की माँ, एक लड़के की माँ और एक कन्या जिसकी शादी थी, और डॉक्टर साहब और इनके परिवार के 3-4 मात्र, इतने पात्र में वो नाटक वो सफल हुआ। सौमेन रावण ने उसको परचेज कर लिया, मुझको उस टाइम में 25,000 रुपया हमको स्क्रिप्ट कर दिया, और फिर उन्होंने अनुबंध दिया कि आप इसको डायरेक्ट करो और भागलपुर, दरभंगा और रांची में इसका स्टेज कराओ। तो मैं उसके साथ जुड़ गया, तो आदत बिगड़ गई लिखने की। फिर लगातार दूरदर्शन के लिए लिख रहा हूँ, आकाशवाणी के लिए लिख रहा हूँ, बिहार सरकार के लिए 160 एपिसोड मैंने अभी रिसेंटली लिखा, पंचायत के ऊपर, ग्राम पंचायत में कैसे काम होता है, चल रहा है, इसी तरह से दिन चलता है।